73वें गणतंत्र दिवस पर देश की स्वतंत्रता का 75वां आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। सभी युवा इस तिरंगा यात्रा में उपस्थित थे। तिरंगा यात्रा पूर्ण होने पर पंचमुखी हनुमान मंदिर परिसर में महाविद्यालय टोली के रवि जी ने पूरा विशाखा एवं कार्यक्रम की मुख्य अतिथि के रूप में संत श्री गणेश आचार्य जी महाराज देश में वर्तमान क्षेत्र के प्रसिद्ध त्रिपुरा के बीच में बालाराम जी गिवाना निवासी ग्राम बरखेड़ा नालछा भी इस कार्यक्रम में उपस्थित थे। पूर्व सैनिक सतीश बड़गुर्जर भी इस कार्यक्रम में उपस्थित थे। नालछा से विनीत यादव की रिपोर्ट। और क्या क्या करना पड़ेंगे इसके लिए, ये हमको तैयारी चाहिए। इसके लिए पत्रक का वाचन करा था हमने और उसका अध्ययन करना, ये सोशल मीडिया पे भी ये चल रहा है और आने वाले समय में अनेक प्रकार के कार्यक्रम काम हमको सबको करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी आप लोग सब समझदार देशभक्त नागरिक हो इसलिए यहाँ पे बैठे हो, ठीक है। हमारे बीच में गुरु जी बैठे हैं, गणेश आचार्य जी, ये भी हमारे बीच में दो शब्द रखेंगे। सबसे पहले सभी बेटिया में पर भगवान का नाम है, सभी बेटिया हो गया ओम का उच्चारण गायत्री मंत्र से। सबसे क्रांतिकारी संगठनों की स्थापना हुई थी सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के बारे में सिपाही विद्रोह और राजे रजवाड़ों का अपने राज्य बचाने की लड़ाई थी। 1857 के संग्राम में किसानों मजदूरों बुनकरों पूर्व तैयारी के साथ एक योजनाबद्ध युद्ध था। 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन के बाद अंग्रेज समझ गए कि वे बारूद के ढेर पर बैठे हैं, पुनः यह विस्फोट हुआ तो वे इस आंधी में बह जाएंगे। इस बार इस गुबार से बचने के लिए एओ ह्यूम के माध्यम से सेफ्टी वाल्व के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। इसमें अंग्रेजी पढ़े लिखे लोगों का होना अनिवार्य था। इस प्रकार स्वतंत्रता के संघर्ष की दिशा बदली गई। मेघालय की शिक्षा नीति के कारण अपना स्वत्व खोने विदेशियों की गिद्ध दृष्टि हमेशा ही हम पर रही है। विश्व भर से लोग यहाँ ज्ञान विज्ञान धर्म अनेकों आक्रमण हुए। कोई विदेशी ताकत जब लूटने के लिए भारत भूमि पर अपना पहला कदम रखती थी तब से संघर्ष शुरू हो जाता था। यह संघर्ष सिकंदर के आक्रमण के काल से चला आ रहा है। सन 400 वर्ष तक हमने यूरोपीय उपनिवेशवादी शक्तियों के संघर्ष किया। इस लंबे संघर्ष के परिणाम स्वरूप ही हमें 15 अगस्त 1947 को स्वाधीनता मिली। पुर्तगाली लुटेरो वास्को डी गामा सन 1848 जब भारत आया तो कालीकट के राजा जमोरी ने अतिथि मानकर उसका स्वागत किया, परंतु उसके बाद पुर्तगाली व्यापार के बहाने भारत आते गए, अपनी शक्ति बढ़ाई और जब यहाँ लूटपाट हिंसा और बलात् मतांतरण का खेल खेलना शुरू किया तभी से हमारा यूरोपीय ताकतों से संघर्ष शुरू हो गया था। वामपंथी इतिहासकारों ने कुछ भ्रम फैला रखे हैं। उनका कहना है कि संघर्ष नहीं हुए, स्वतंत्रता का आंदोलन मुख्य रूप से उत्तर भारत में ही हुआ। भारत
तो भारत हिंसात्मक आंदोलन से आजादी मिली, स्वतंत्रता आंदोलन के सभी वर्गों का योगदान नहीं था। ऐसा भी दिखाया जाता है कि 1847 में पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ, उसे अंग्रेजों ने कुचल दिया। उसके पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के बाद भारत का स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ। परंतु इतिहास के पीछे जाएं तो हम देखेंगे कि 15वीं शताब्दी में नरसिंह मेहता, शंकर देव, गुरु नानक देव आदि जैसे भक्ति आंदोलन के माध्यम से देश की जनता में भारत भक्ति की भावना जगाई। 1847 के पूर्व भारत देश भर में सशस्त्र आंदोलन चल रहे थे। सन 1836 में झारखंड में चुआन आंदोलन, सन 1880 से 1780 से 1800 तक बंगाल व बिहार के में सन्यासी आंदोलन, और सन मांझी का सशस्त्र, सन 1800 में चेरो संघर्ष महाराष्ट्र में रामोसी, 1831 में छोटा नागपुर में कोल जैसे अनेक संघर्ष हुए। दक्षिण में रानी अप्पका ने पुर्तगालियों से, कित्तूर की रानी चेन्नम्मा ने अंग्रेजों। तो एक चीज है कि बिना धर्म के इस राष्ट्र की कल्पना भी नहीं की जा सकती। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा कि पाकिस्तान का जो जन्म हुआ वो किसके आधार पे हुआ? धर्म के आधार पे हुआ। बांग्लादेश बना किसके आधार पे बना? धर्म के आधार पे बना। जब तक हिंदू जीवित है, जब तक हमारा हिंदुत्व जीवित है, हिंदू जीवित इसका मतलब ये नहीं खाली नाम के पीछे, तो हाँ साहब ये हिंदू वो हिंदू, नाम के पीछे नहीं, आपके जो कर्म हैं उनमें दिखना चाहिए कि आप वास्तविकता में हिंदुत्व के लिए कुछ कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अभी जैसे पत्रक में एक जगह आया भी था कि व्यापारी बन के हमारे देश में आए थे, इसी प्रकार आज हर छोटी से छोटी गली में ले लो या बड़ी सिटी बड़ा मॉल ले लो, जिहादियों ने हर जगह पूरा अपना कब्जा जमा लिया। अब सोचो उस समय विदेश से आए थे, उसके बाद में भी व्यापार के आधार पे उन्होंने अपने पूरे देश को गुलाम बना दिया। तो आप क्या सोचते हैं कि ये जो हमारे आसपास जो जिहादी पल रहे हैं, इन्होंने जो आज पूरी अर्थव्यवस्था को अपने हाथ में ले लिया, ये आपको आने वाले समय में गुलाम नहीं बनाएंगे? एक सुई से लेके एक जहाज तक, यही जो अपने जो कुटिया का जो भी जैसे यज्ञशाला का जो काम है, इसी में एक व्यक्ति मेरे पास में ऐसा भी आया था कि इसके जो भी चद्दर रहेंगे वो सारे मेरी तरफ से, पर क्यों नहीं मैंने स्वीकार किए? क्योंकि वो कहीं ना कहीं मुस्लिमों के पास से आया। मैंने कहा कि नहीं, पहली बात तो मैं स्वीकार भी नहीं करूँगा, फिर दूसरी बात ये है कि आज के बाद में या तो आप इस व्यक्ति से अपना जो आपका जो बिजनेस है या तो वो खत्म करो, या फिर मेरे को चाहिए भी नहीं और मेरे यहाँ पे आना भी मत। बिल्कुल स्पष्ट, मैं चाहे पूरे समाज से मांग लूंगा, मंजूर है मुझे, पर जिहादियों की एक कील भी मेरे आश्रम में नहीं लगेगी। अगर जो आपके विचार ये हैं कि मैं चाहे बाइक ठीक करवाऊँ, एक चॉकलेट लेने जाऊँ या फिर करोड़ों रुपए का सामान लूँ, जिहादियों से लेता हूँ या नहीं लेता हूँ। अभी देवपालपुर में एक बहुत ही अच्छा कार्य हुआ है कि मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटा दिए गए, है ना, अभी ताजा घटना। इसी प्रकार का कार्य हमें यहाँ पे नालछा में भी करना है। 29 तारीख को हमें थाने पे ज्ञापन देना है, और खाली ज्ञापन नहीं देना, उतरवाना भी है खड़े रह के। ज्ञापन तो हम बहुत सारे देते हैं और इसके ऊपर कार्रवाई। आज आपने वाहन रैली निकाली गई है और भारत माता की आरती की गई है, तो उस कार्यक्रम का क्या रूपरेखा थी और किस उद्देश्य से क्या कार्यक्रम किया गया? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नालछा के द्वारा नगर में वाहन रैली निकाली, और काफ़ी समय बाद
कोरोना अभी चल ही रहा है फिलहाल में, तो अभी इतनी बड़ी कोई आयोजन हुआ नहीं था, तो इसलिए वाहन रैली निकालने के साथ साथ नगर में हमने अपने राष्ट्र के प्रति लोगों को जागरूक किया और एक वाहन रैली के रूप में एक जागरूकता रैली निकाली हमने। काफ़ी समय से नगर में आयोजन कुछ हुए नहीं थे कोरोना के चलते हुए, तो कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए हमने वाहन रैली निकाली और समाज में संदेश देना चाहते हैं हम कि जो आज़ादी हमें मिली उसे हम सहज कर रखें और आने वाले 2 साल बाद स्वतंत्रता संग्राम का 75 वर्ष पूर्ण होने वाले हैं और हमारे राष्ट्रीय स्वयं संघ की स्थापना को भी 100 वर्ष पूर्ण होने वाले, सन 1925 में इसकी स्थापना हुई थी, तो 2025 में ये आज़ाद मतलब इसके 100 वर्ष शताब्दी वर्ष पूर्ण होने वाला है, तो इसकी तैयारियां अभी से ही चल रही हैं। इसी के उपलक्ष्य में हमने ये वाहन रैली निकाली और युवाओं को प्रेरणा दी कि अपने राष्ट्र के प्रति हमें जागरूक रहना है और असामाजिक तत्वों से कैसे बचना है और इन्हें कैसे अपने दुरुस्त करना है जो इनने नीतियाँ खड़ी करी हैं, जैसे लैंड जिहाद है, लव जिहाद है और ये मार्केटिंग में अपने नए नए प्रोडक्ट लेकर आते हैं और हिंदू भाई बहनों को उसमें फंसाते हैं, तो इन सब चीज़ों से बचना और इनका सामना करना और इनके जो प्रयास हैं उनको पूरी तरह से ख़त्म करने का उद्देश्य हमने लिया है और युवाओं को भी हमने इसी प्रेरणा के साथ वाहन रैली में शामिल किया था। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।